ओम शांति। आज की तारीख है 9 मई 2023। आज के बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी हैं। उसे तुम अपना पुराना बैग बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैग बैगेज ट्रांसफ़र कर दोगे तो सतयुग में तुम बच्चों को सब नया मिल जाएगा। आज बाबा ने प्रश्न किया, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है। बाबा पूछते हैं, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है। बाबा ने उत्तर बताया, जो बच्चे निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रखता है। जो बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं और बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, उन बच्चों का बाबा बहुत ख्याल रखते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी। बाबा कहते हैं, अगर श्रीमत पर संशय आया तो माया आप बच्चों का बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। आज का गीत है, दर पर आए हैं, दर पर आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उसकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना है। अब कहते हैं, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, एक शिव बाबा से कनेक्शन रखना है, उनकी जो श्रीमत हम बच्चों को मिलती है उसे ही राइट समझकर चलते रहना है, उसे ही राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना है। दूसरा पॉइंट है, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है और पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। आज बाबा ने वरदान दिया, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। डिटेल है, जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा से भी
जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। अब वो कहते हैं जैसे स्थूल में सेवा करते हैं सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ पे भी बुलावा आता है वहाँ पहुँच जाते हैं, उसी प्रकार हम बच्चों को मनसा सेवा करनी है। मनसा में भी जो संकल्प धारण करें, जो भी चाहें, उसमें भी एवर रेडी बनना है। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हों। यह संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। आज का स्लोगन है प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।